हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है बायो मॉलिक्यूल, जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, आज भी हम उसी को आगे पढ़ेंगे। देखिए, बायो मॉलिक्यूल मैं स्टार्ट करूं उससे पहले हमेशा की तरह एक बात कि मैं आपको बोलूंगी कि बायो मॉलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है, क्योंकि ये बायो केमिस्ट्री से आ रहा है और इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं। तो आप बेटर होगा कि एक क्राइटेरिया बना लीजिए कि कौन सी चीजें इसके बारे में आपको केमिस्ट्री में पढ़नी है और कौन सी चीजें आपको बायोलॉजी में पढ़नी है, क्योंकि अभी आप टाइम टेबल के फॉर्म में पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीज। और जब वो दोनों ही चैप्टर हो जाएंगे एक साथ में तो आपके पास में पूरी नॉलेज जो है वो होगी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, अभी तो जैसे कुछ चीजें हैं नेमिंग वगैरह वो तो आपको याद ही रखनी है, जो चीजें मेन है समझने के लिए उनको आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना कोई टॉपिक हो या कोई भी चीज हो जिसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो वो आपको लंबे टाइम के लिए याद रहती है, राइट। बट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो हम इसी को अपना बेसिस मानते हुए आज हम पढ़ते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बायो मॉलिक्यूल। इससे पहले प्रोटीन और एमिनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आप जानते हैं प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट है सेल की, क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन जो है वो हम ये बोलते हैं क्योंकि हॉर्मोन की तरह एंजाइम की तरह फंक्शन करती है, तो प्रोटीन जो है वो मल्टी टास्किंग बायोमोलिक्यूल है, कई तरह के काम जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं प्रोटीन के थ्रू। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो वो एनर्जी देता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है और सबसे चीपेस्ट सोर्स भी है, क्योंकि उसके हम ये बोलते हैं कि ब्रेकडाउन के लिए हमें ज्यादा एनर्जी ज्यादा ऑक्सीजन जो है उस मॉलिक्यूल को स्पेंड नहीं करना पड़ता, दैट्स व्हाई हम ये बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज जो है वो हमारे लिए चीपेस्ट सोर्स भी है और जो चीज चीप होती है उसी को हम पहले ही यूज करते हैं, राइट। और प्रोटीन जो हमने पढ़ा है वो आपको मालूम है कि प्रोटीन हम सबसे लास्ट में यूज करते हैं, वैसे वो हमारी बॉडी के अंदर हम ये बोलते थे कि डिफेंस के लिए हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, राइट। तो उसके मल्टी फंक्शंस हैं। चलिए, उसके बाद में आज का हमारा टॉपिक है लिपिड। देखिए, लिपिड जो है जैसे हम लोग नाम सुनते होंगे तो नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि लिपिड होता क्या है, तो लिपिड नाम आते ही आपके दिमाग में आता है कि हाँ कुछ ऐसा बायोमोलिक्यूल है जिसको आप अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, तो हम बोलते हैं ये वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं बायोमोलिक्यूल। दूसरी, आपको मालूम है कि लिपिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी जो फ्रैक्शन होता है एसिड इनसॉल्यूबल उसके अंदर वो आता है, लेकिन एक्चुअल में वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन होता है, ठीक है। लिपिड के बारे में अगर हम लोग और जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिपिड जो है एक्चुअल में जब हम लोगों ने पढ़ा, अपने प्रोटीन पढ़ा और कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, तो आपके दिमाग में क्लियर कट पिक्चर है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन को आप क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे हैं, राइट। जबकि आप प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन में आप बोलते हैं कि वो क्या होते हैं, उनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो एमिनो एसिड के पॉलीमर्स जो होते हैं उनको हम प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपके दिमाग में एक क्राइटेरिया है, आपको पता है, लेकिन जब आप लोग लिपिड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिपिड जो होते हैं उसके अंदर आपको कई तरह की हमें वो हम बोलते हैं कि फॉर्मूलाज भी हमें देखने को मिलेंगे, उनके अगर आप स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनमें तो बहुत डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाले अल्कोहल भी होते हैं, उसको भी हम क्या बोल रहे हैं, मतलब अल्कोहल है तो उसको भी हम लिपिड बोल रहे हैं। अगर कोई हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको भी हम क्या बोल रहे हैं कि हम उसको भी लिपिड बोल रहे हैं, यानी कि लिपिड जो है वो हाइड्रो कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो लिपिड वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हम ये बोलते हैं कि जो हम ये बोलते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी अगर अगर किसी से हमें मिलती है तो वो हमें लिपिड से मिलती है। आपको मालूम है कितनी मिलती है, 9.4 किलो कैलोरी एनर्जी जो देने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं लिपिड, ठीक है। तो अभी लिपिड के बारे में अगर पढ़ो तो मैंने बोला कि एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाले हाइड्रोक्सिल जिसमें ग्रुप प्रेजेंट हो अल्कोहल उसको भी हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। एट द सेम टाइम अल्कोहल जो होते हैं उनको भी हम लिपिड बोलते हैं। फॉर द एग्जांपल जैसे कि CH2OH, ये एक्चुअल में ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, सबसे सिंपल लिपिड होती है ये। देखिए, अब ये क्या है, अल्कोहल है, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया ना, ये पॉलीहाइड्रोक्सी ये क्या हो गया, अल्कोहल ही है ये, तो इसमें तो अल्कोहल ही प्रेजेंट है और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर नहीं है। तो देखिए, अल्कोहल को हम क्या बोल रहे हैं, ये भी क्या है, लिपिड ही है, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं।
ग्लिसरॉल को अगर आपको और अच्छे से इमेजिन करना हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं, वो ग्लिसरीन जो आप लोग लेके आते हैं सर्दियों में लगाने के लिए, ये वही है, ठीक है। तो ये क्या है, लिपिड है। और अगर हम बात करते हैं कि एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसको भी हम क्या बोल रहे हैं, लिपिड बोल रहे हैं। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल कि अगर मैं लिखूं CH3 CH2 एंड मैं यहाँ पे NCOOH, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन चेन जो है कितने भी कार्बन की हो सकती है, जैसे 12 है हमें बोल देते, 14 है, 16 है, कितने भी कार्बन वाली लंबी चेन हो सकती है। बट यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ऐसी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जिनको हम फैटी एसिड बोलते हैं, ये फैटी एसिड्स भी क्या है, ये भी लिपिड ही है, ठीक है। तो इनका मेन तो अगर क्या होगा, अगर लिपिड को आप लोग समझे तो समझिए ये कि वो बायोमोलिक्यूल्स जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, और हमारा जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है उसमें भी आने का रीजन तो क्या है, वही है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेते हैं जिस वजह से वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं एसिड में, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखिए, बट यहाँ पे ध्यान रखिए कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ये क्या है, हम इनको लिपिड बोल रहे हैं। अभी लिपिड के बारे में और भी जानेंगे, हमारे पास में लिपिड के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, टैग है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जिसको हम बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, वैक्स, ये बहुत सारे हम ये बोलते हैं स्टीरॉइड्स, टर्पीन्स, ये सब भी जो हैं ये क्या है, टाइप्स हैं, किसके, लिपिड के टाइप्स हैं। तो उन सबको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए पहले टाइप्स पे कि क्लासिफिकेशन, हम लिपिड को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो लिपिड को हम तीन पार्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैसे, एक तो हुए आपके सिंपल लिपिड, दूसरे आपकी है कॉन्जुगेटेड लिपिड, और तीसरी है आपकी ड्राइव लिपिड। अब सिंपल लिपिड आप किसको बोल रहे हो, फैटी एसिड एंड अल्कोहल के जो ईस्टर हैं उनको आप क्या बोलते हो, सिंपल लिपिड बोलते हो। तो देखिए ग्लिसरॉल जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, ग्लिसरॉल जो है वो सिंपलेस्ट लिपिड होता है, और फैटी एसिड जो है वो भी क्या है आपके, बट वो ग्लिसरॉल के कंपैरिजन में उतने हम उनको सिंपलेस्ट में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ग्लिसरॉल जो है ना, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से है, तो ये होते हैं सिंपलेस्ट, हम बोलते हैं लिपिड बोलते हैं ग्लिसरॉल को, ठीक है। अब इनके ईस्टर, इनका ईस्टर का मतलब क्या हो गया, टैग के बारे में बात करें, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ये हो सकता है कि डाई कंडीशन भी हो या फिर मोनो कंडीशन भी हो, है ना। तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसराइड, ये तीनों ही जो हैं ये किस में आ रहे हैं, आपके सिंपलेस्ट लिपिड में आ रहे हैं। याद रखिए लिपिड के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, ईस्टर बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, ये देखिए ये CH2OH है, ठीक है, ये CHOH, मैं ग्लिसरॉल को बना देती हूँ, ये ग्लिसरॉल है CH2OH। अब कब, अभी यहाँ पे अगर कोई फैटी एसिड यहाँ पर अगर क्या करेगा, मान लीजिए CH2 CH3, ये कोई हम बोल रहे हैं कि फैटी एसिड है, यहाँ पे डीकंडेंसेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड कौन सा था, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा लिपिड के अंदर, ईस्टर बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट लिपिड जो है वो किसको बोल रहे हैं, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, उसको हम बोल रहे हैं सिंपलेस्ट लिपिड, ठीक है। इसके अलावा कॉन्जुगेटेड लिपिड हम किसको बोलते हैं, वही ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, बट इनके अंदर इसके अलावा कुछ और भी हम ये बोलते हैं कि, हम बोलते हैं कि दूसरा और भी मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं, कोई और ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, जैसे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड। अगर उसके अंदर हम ये बोले कि शुगर प्रेजेंट होगी, है ना, किसी तरह की शुगर होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड, यानी फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड, जो कि हम पढ़ते हैं कब, जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में आपको पता होता है शुगर प्लस जो लिपिड है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फेट ग्रुप प्लस लिपिड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, मेनली उसमें फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों ही क्या है, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स है। इसके अलावा हमें बोले कि ड्राइव्ड लिपिड्स जो होती है वो क्या होती है, हम ये बोलते हैं कि वो टिपिकल या पर्टिकुलर, हम बोलते हैं कि वो फैट नहीं होता, बट फैट लाइक उसमें प्रॉपर्टीज मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव लिपिड्स में काउंट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो सिंपलेस्ट लिपिड है ये, इसको भी हम क्या है, कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल के लिए वैक्सीज में, ठीक है, वैक्सीज जो है वो भी क्या है, सिंपल लिपिड ही है। इसके अलावा जो हम बोलते हैं फैट है, ऑयल है, वो सभी भी क्या है आपके सिंपल लिपिड है। तो उनके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप याद रखिए दिमाग में, लिपिड तीन तरह की है, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड ड्राइव्ड। अब उनको आगे हम लोग पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स। ये सभी टाइप्स को मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको बता दिया ताकि एक पिक्चर जो आपके माइंड में रहे, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, टैग,
ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, वैक्स, स्टीरॉयड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, टर्पिन्स, ये सभी क्या है, ये लिपिड्स के टाइप्स है। वन बाय वन सबको हम लोग देख लेते हैं कि क्या होते हैं। देखिए ग्लिसरॉल किसको बोल रहे हैं भाई, सबसे सिंपलेस्ट मोस्ट है ये CH2OH, CHOH, CH2OH, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन जो है उसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरॉल ये एक तरह का सिंपल लिपिड है। नेक्स्ट आ जाता है फैटी एसिड। फैटी एसिड हम किसको बोल रहे हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाली जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हो सकता है मे बी 40 तक जो है कार्बन की क्वांटिटी प्रेजेंट हो, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था जैसे कि CH3, CH2, N, and COOH, ये क्या है, फैटी एसिड है। ठीक है, तो फैटी एसिड जो है वो किसको बोलते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड बोलते हैं। अब ये फैटी एसिड जो है ये दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड किसको बोलते हैं, वो जिनके अंदर डबल बॉन्ड जो है ना वो नहीं बनते। यानी देखिए ये सिंपल स्ट्रक्चर मैंने जो बनाई है, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो देन यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। यानी कि वो किस तरह का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो सैचुरेटेड है क्योंकि उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगर ऐसा है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अभी कुछ टाइप है सैचुरेटेड के, जैसे कि है आपके लंप्स, ये वर्ड याद रख सकते हो, लंप्स। ठीक है, तो लंप्स में देखिए एल से हुआ लॉरिक एसिड, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट फिर भी जो भी कई बार कई अलग अलग जगह यूज आ जाते हैं तो मैंने एक साथ में आपको चार्ट बना दिया है। यहाँ पे लॉरिक एसिड जिसमें कार्बन कितने होते हैं, 12, माइरिस्टिक एसिड जिसमें कार्बन होते हैं 14, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड, ये दिया है कार्बन 16 एंड कार्बन 18। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, ये सारे के सारे क्या, सैचुरेटेड है। अगर मैं यहाँ पे कार्बन जो है ना टोटल अगर काउंट यहाँ पे 16 बना देती हूँ तो वो स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, पाल्मिटिक एसिड का बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या, चारों ही क्या है, सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में आ जाता है पोला, पोला में पी से आ गया पाल्मिटोलेइक एसिड जिसमें कार्बन होते हैं 16, ओलेइक एसिड कार्बन कितने होते हैं 18, लिनोलेइक एसिड कार्बन कितने हैं 18, लिनोलेनिक एसिड इसमें भी है कार्बन 18, और अरेकिडोनिक एसिड जिसमें कार्बन होते हैं 20। अब देखिए ये सब जो है इन सब के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है लेकिन डबल बॉन्ड की क्वांटिटी डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप इन तीनों में देखोगे ओलेइक एसिड, लिनोलेनिक और लिनोलेइक के अंदर, तो तीनों के अंदर ही क्या है 18 कार्बन है बट फिर भी तीनों के नाम अलग अलग है। रीजन डबल बॉन्ड की क्वांटिटी इनमें डिफरेंट है। जैसे कि आपका पाल्मिटोलेइक है, इसके अंदर डबल बॉन्ड एक ही होता है। ओलेइक एसिड जो है इसके अंदर भी क्या है, डबल बॉन्ड एक ही है। लिनोलेइक और लिनोलेनिक इनके अंदर होते हैं, इसके अंदर है 2 और लिनोलेनिक के अंदर होते हैं 3, जबकि अरेकिडोनिक जो है उसके अंदर होते हैं कार्बन सॉरी डबल बॉन्ड होते हैं 4। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें डबल बॉन्ड जो है उनकी क्वांटिटी डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए अनसैचुरेटेड जो है इनको भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मूफा एंड पूफा में। मूफा किसको बोलते हैं, मूफा हम बोलते हैं मोनो अनसेचुरेटेड एसिड। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब ये हुआ वो जिनके अंदर केवल एक ही डबल बॉन्ड है। अब आपको पता है एक डबल बॉन्ड किस किस में आ रहा है, पाल्मिटोलेइक में और ओलेइक एसिड के अंदर, पू है ना, इसी से हम याद रख सकते हैं। तो मूफा, पूफा का मतलब पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, यानी जिसके अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वो कौन कौन से थे, वो आपके पास में था लिनोलेइक, लिनोलेनिक और अरेकिडोनिक एसिड। इन तीनों के अंदर ही क्या है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 2, 3 and 4। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पूफा। तो मूफा एंड पूफा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के दो टाइप हो सकते हैं। ठीक है, अब यह ध्यान रखिए। अब देखिए कोई भी लिपिड के बारे में बात करें, जैसे दिमाग में हमारे जैसे लिपिड वर्ड यूज करते हैं तो फैट एंड ऑयल दो वर्ड आ जाते हैं। तो फैट एंड ऑयल जो है वो एक्चुअल में क्या है, तो फैट एंड ऑयल जो होते हैं वही लिपिड है, उनमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। बट किसकी क्वांटिटी ज्यादा है इससे डिपेंड करती है उनकी फिजिकल, हम बोल सकते हैं कि कंडीशन, कि वो ऑयल स्टेट सॉरी लिक्विड स्टेट में रहेंगे या फिर सॉलिड स्टेट में रहेंगे। तो जरा फटाफट से हम लोग उस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए फैट एंड ऑयल किसको बोल रहे हैं, देखिए फैट हम किसको बोलते हैं, फैट जो होते हैं हम जो बटर है आपका, घी है, एनिमल फैट जो है, ये फैट में आ रहे हैं। लेकिन फैट हम बोल रहे हैं किसको है, फैट वो होते हैं जो 25 डिग्री सेल्सियस पर कैसे रहते हैं, सॉलिड कंडीशन के अंदर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फैट। जबकि ऑयल हम किसको बोलते हैं, ऑयल हम उसको बोलते हैं जो कि 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं उनको हम बोलते हैं ऑयल। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि फैट किसको बोल रहे हैं और ऑयल हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए
अभी देखिए फैट जो होता है ये एक्चुअल में अगर हम इसको बोल रहे हैं कि फैट जो है ये कंडीशन जो आ रही है कि फैट जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में है। क्यों होते हैं भाई सॉलिड स्टेट के अंदर, रीजन क्या है? क्योंकि इनके अंदर सैचुरेटेड फैट जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि ऑयल जो होते हैं इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फैट जो होता है इसकी वजह से हम बोलते हैं कि लो डेंसिटी लिपिड यानी कि जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो VLDL और LDL जो है इसका, इसकी जो हम बोलते हैं ब्लड के अंदर जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ऑयल जो है उसकी वजह से गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज होता है हमारे ब्लड के अंदर। तो बेटर ये रहता है कि हम फैट जो है उसको कम लें और ऑयल जो है उसको उसके कंपैरिजन में हम ले सकते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल जितने भी हैं वो सभी क्या है, वो हमारे लिए हेल्थ के लिए बढ़िया है क्योंकि वो गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको इंक्रीज करते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड जो होता है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फैट एंड ऑयल ये दो कंडीशन के अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। चलिए अभी देखिए ये जो फैट और ऑयल है इसके बारे में अगर और हम देखें तो फैट वो है जिनके अंदर क्या होते हैं, ज्यादा हम बोल रहे हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जबकि ऑयल वो होते हैं जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। अभी फैक्टर जो इनकी ये हमें बोलते हैं कि इनके लिक्विड या सॉलिड स्टेट पे इफेक्ट डाल रहे हैं तो वो रीजन क्या है, वो रीजन ये रहता है कि पहला तो हाइड्रोकार्बन चेन, तो जितनी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जिसमें जितनी ज्यादा कार्बन है वो उतनी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन हुई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या, ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि वो रूम टेम्परेचर पे कैसे रहेगा, सॉलिड स्टेट के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हाइड्रोकार्बन चेन जिसके अंदर छोटी होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे कैसे रहेंगे, लिक्विड स्टेट के अंदर रहेंगे। सेकेंड, फैटी एसिड जो है उसकी भी डिपेंड करती है, फैटी एसिड जो है अगर उसकी क्वांटिटी हम ये बोल रहे हैं कि बढ़ रही है ना, फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड जो है वो अगर क्या होता है बढ़ता है, तो जितना ज्यादा फैटी एसिड जो है वो हम बोलते हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड जो है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो उतना ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और फैटी एसिड के अंदर जितने डबल बॉन्ड क्या होंगे, कम होंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसी वजह से क्या है, फैट जो होते हैं इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, डबल बॉन्ड क्या है, कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसीलिए वो क्या है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। जबकि ऑयल में कंपेयर करें तो ऑयल जो है उसके अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, यानी डबल बॉन्ड की क्वांटिटी ज्यादा है, डबल बॉन्ड की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। लो होने की वजह से वो रूम टेम्परेचर पर भी कौन से स्टेट में रहते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर रहते हैं। तो ये दोनों ही चीजें इफेक्ट डालती हैं किसके ऊपर, आपके इनकी फिजिकल स्टेट पे, कि वो किस तरह की उनकी स्टेट में वो रहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी टॉपिक है, छोटी सी बात है, लेकिन क्या है ना कई बार हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, इस वजह से हम समझ नहीं पाते। चलिए एक और टॉपिक, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं, देखिए ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का मतलब ये होता है कि जब कोई ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड आपस में क्या होते हैं, ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अभी कैसे बनाते हैं ईस्टर बॉन्ड ये मैंने आपको बताई दिया, वही अगर कोई फैटी एसिड है उसका COH ग्रुप जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर एक फैटी एसिड जुड़ सकता है, यहाँ पे भी एक फैटी एसिड जुड़ सकता है और यहाँ पर भी एक फैटी एसिड जुड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जब तीन फैटी एसिड किसी ग्लिसरॉल के अंदर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं। ये फैट एंड ऑयल क्या है, ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ही है। ठीक है, अब ये लिक्विड एंड फैटी जो हम बोल रहे हैं ना कि लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट उनकी रह रही है, वो किस वजह से रह रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीन फैटी एसिड जुड़ रहे हैं। अब इनमें पॉसिबिलिटी है कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड हो तीनों ही, या फिर हो सकता है मे बी एक सैचुरेटेड हो, दो अनसैचुरेटेड हो, यानी जिसकी जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उसका क्या होगा, उतना ही हम बोलते हैं कि मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, और उसका मेजर इंपैक्ट जो है उसकी वजह से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो होता है उसकी हम बोलते हैं फिजिकल जो कंडीशन है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर फैट है कोई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फैट के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहां अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं जुड़ा है, हो सकता है मे बी दो सैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़े हो और एक अनसैचुरेटेड हो, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसका ही क्या होगा, हम बोलते हैं इंपैक्ट ज्यादा होगा, और इंपैक्ट ज्यादा होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग फिजिकल अपीयरेंस उसकी रहेगी। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन। वैक्स किसको बोलते हैं, वही लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला हम बोलते हैं कोई अल्कोहल है ना, यहाँ पे लंबी कार्बन चेन वाला जो हम बोल रहे हैं कि सॉरी नॉट अल्कोहल, यहाँ पे हम बोले कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसके अंदर जुड़ा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सिस बोलते हैं। अभी वैक्सिस के हमारे पास में कई टाइप है, जैसे कि मेरिसाइल पाल्मिटेट, ये बी वैक्स है, सेरुमिन जो कि ईयर वैक्स है,
लिनोलिन ये वूलवैक्स है, पैराफिन जो कि पेट्रोलियम बोलते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्यूटीन एंड सुबेरिन जिसका हम बोलते हैं कि जमाव जो है वो देखने को मिलता है प्लांट के अंदर आप देखते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, ये वैक्सेस होते हैं। ठीक है, तो एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाले हम ये बोलते हैं कि एल्कोहल जब हम बोलते हैं कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड के थ्रू, तब ये फॉर्म होते हैं क्या, वैक्सेस जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वैक्सेस जो है वो भी ईस्टर ही है इनके, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। नाउ टर्पीन्स, टर्पीन्स जो है किसको बोलते हैं, C5H8 एंड C5H8 यानी इसको हम बोलते हैं आइसोप्रिन्स। ठीक है, तो एक टर्पीन के अंदर कितनी होती हैं, हम ये बोलते हैं कि आइसोप्रिन होते हैं दो। ठीक है, अभी देखिए मोनोटर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कितनी आइसोप्रिन है, दो आइसोप्रिन यूनिट है। ठीक है, एग्जाम्पल है मेंथोल। डाइटर्पीन्स का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर चार आइसोप्रिन यूनिट है, विटामिन ए, ई, के एंड जिब्रेलिन जो है वो डाइटर्पीन्स होते हैं। ट्राइटर्पीन्स का मतलब ये हो गया कि जिसके अंदर क्या है, छह आपकी आइसोप्रिन यूनिट्स है, स्टीरॉइड्स इसी का एग्जाम्पल है। टेट्राटर्पीन्स का मतलब क्या हो गया भाई, सो ऑन बढ़ता जाएगा, इसका एग्जाम्पल है कैरोटीन्स। पॉलीटर्पीन्स जिसका एग्जाम्पल है रबड़, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टर्पीन्स जो है वो भी क्या है, फैटी एसिड ही होते हैं। चलिए, फास्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड, अब फास्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड किसको बोलते हैं, तो देखिए ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल तो आपके सबके समझ में है कि हमें मालूम है ये CH2OH देन CHOH एंड CH2OH। ठीक है, ये है ग्लिसरॉल। अब देखिए फैटी एसिड जो होते हैं उसके कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन 2 पे जुड़ गए, मान लीजिए यहाँ पे एक फैटी एसिड जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया, एक फैटी एसिड जुड़ गया। ठीक है, ये फैटी एसिड जुड़ गए हैं। अब यहाँ पे मुझे फैटी एसिड अगर मैंने जोड़ दिया तो मुझे यहाँ से हाइड्रोजन जो है उसको तो हटाना पड़ेगा। चलिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देती हूँ सीधा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि एस्टर बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे फैटी एसिड जो है वो जुड़ गए हैं। अभी देखिए जो तीसरा हमारा कार्बन है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर अल्कोहल जो होता है वो जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ अल्कोहल जो है वो अल्कोहल जुड़ा है, अल्कोहल कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोलीन है। ठीक है, कोलीन जो है वो अल्कोहल भी यहाँ पे जुड़ सकता है, इथेनॉल है, यहाँ पे कोई भी तरह का किसी भी तरह का अल्कोहल जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और उसके साथ में जुड़ा होगा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये जो होती है इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो अब हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि एक हेड होता है ना, और उसकी क्या होती है, टेल प्रेजेंट रहती है। तो अब ये हेड रीजन जो है वो किससे बना है, हेड रीजन जो बना होता है वो होता है एक्चुअल में यही आपके कार्बन, ये ग्लिसरॉल जो है ना वही प्रेजेंट है आपका, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल से क्या जुड़ा रहता है आपका, एल्कोहल जुड़ा रहता है कार्बन नंबर पे 3 पे, और इस एल्कोहल से जुड़ा रहता है क्या, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है ना, सॉरी, तो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ जुड़ा है, इसको तो हम क्या बोल देते हैं, हेड बोल देते हैं। तो ये तो क्या है, हेड है। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दो हम बोल रहे हैं कार्बन जो है उनसे जुड़ा है फैटी एसिड, फैटी एसिड 1 एंड फैटी एसिड 2, वो कोई भी प्रकार का हो सकता है, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। तो ये क्या बना लेते हैं, ये टेल बना लेते हैं। तो देखिए हेड जो है वो कैसा है, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, जबकि इंटीरियर जो है इसका जो बनता है वो कैसा बनता है, हाइड्रोफोबिक बनता है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये हाइड्रोफोबिक एरिया जो बन रहा है सेल मेम्ब्रेन का वो किसकी वजह से बन रहा है, वो हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है उसकी वजह से बनता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोलिपिड बोल रहे हैं। अब किस तरह का वो लिपिड होगा, फॉस्फोलिपिड के भी कई तरह के टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि स्फिंगोमाइलिन है तो वो भी क्या है, वो एक तरह का हम ये बोल रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड ही है वहां पे। बट होता क्या है कि जहां पे यहाँ पे ग्लिसरॉल मोइटी प्रेजेंट है वहां पे स्फिंगोसिन जुड़ा होता है। तो यहाँ पे बस आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, स्फिंगोसिन लिखना पड़ेगा, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। वहां पे स्फिंगोसिन जो है वो प्रेजेंट रहता है, स्फिंगोसिन। ठीक है, और स्फिंगोसिन से वही एल्कोहल जुड़ा है, एल्कोहल जो है वो एक्चुअल में वहां पर कोलीन होता है। ठीक है, और फिर वही फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही फैटी एसिड जो है वो जुड़ता है इसके अंदर, एक ही टेल होती है स्फिंगोसिन के अंदर। ठीक है, एक ही टेल होती है। तो ये जो है ये स्फिंगोमाइलिन हम जो हम पढ़ते हैं तो वो क्या है, वो उसके अंदर स्फिंगोसिन जो है वो मोइटी मिलती है ग्लिसरॉल की बजाय। ग्लाइकोलिपिड आप किसको बोलते हो, ग्लाइकोलिपिड का मतलब ये आ गया कि यहाँ पर
एल्कोहल की जगह कोई शुगर अगर जुड़ी हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिपिड के टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं डीएनए एंड आरएनए जो कि हमारे सेल की न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो हमें पहले तो न्यूक्लियोटाइड वर्ड जो है ना वो पता होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड तक हम पहुंच जाएंगे अपने आप। और न्यूक्लियोटाइड की भी एक छोटी यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो यहां से आप स्टार्ट करिए। तो न्यूक्लियोसाइड से बनता है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, पहले तो ये ध्यान रखिए। चार्ट के थ्रू हमने बड़ी खूबसूरती से बता दिया आप लोगों को। देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक तो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस जुड़ा रहता है किससे, ये जुड़ा रहता है पेंटोज शुगर से। तो यहां पे प्रेजेंट होती है एक आपकी शुगर, और शुगर के साथ में यहां पे प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिसमें नाइट्रोजन बेस है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, जिसमें केवल शुगर एंड नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। चलिए अभी देखिए न्यूक्लियोसाइड जो है, अगर पहले तो इसको देखते हैं न्यूक्लियोसाइड जो है वो कितने प्रकार के और कैसे हो सकते हैं। तो देखिए शुगर जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पेंटोज शुगर होती है, ये ध्यान रखिए। पेंटोज भी कौन सी वाली होती है, राइबोज। डीएनए के केस में वो क्या होती है, डीएनए के केस में होती है डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए के केस में राइबोज ही होती है। ठीक है, तो पेंटोज शुगर यानी मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोसाइड का एक पार्ट। दूसरा इसका पार्ट जो होता है वो होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो है एक्चुअल में हम ये बोलते हैं हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, दो तरह के इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ये है प्यूरिन और ये हुआ पिरिमिडिन। प्यूरिन के दो टाइप है, एडिनिन एंड ग्वानिन, जबकि पिरिमिडिन के कितने टाइप है, तीन टाइप है, साइटोसिन, थायसिन, थायामिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल होता है केवल आरएनए के अंदर, ठीक है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। और थायामिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है केवल डीएनए में, वो आरएनए में नहीं होता। साइटोसिन दोनों में होता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, आप लोग यहां पे इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए हम लोग अगर हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ेंगे तो ये अगर ये एडिनिन जो है वो जुड़ेगा किससे, राइबोज शुगर से जुड़ेगा आरएनए में, और एडिनिन अगर डीएनए में प्रेजेंट है तो वो जुड़ेगा किससे, डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुड़ेगा, जिसकी वजह से बनेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड से जब उसके राइबोज से ही क्या हो रहा है, उस शुगर से ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड जब क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, यहां पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहां पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो यहां पे ये अपने ऊपर वाले शुगर से जुड़ जाएगा, यहां पे नाइट्रोजन बेस होगी, और यहां पे हम कह रहे हैं कि जुड़ा होगा कौन सा, नया फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जुड़ा होगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और क्लियर करते हैं। तो कई न्यूक्लियोटाइड जब आपस में क्या है, फॉस्फेट हम ये बोलते हैं कि एस्टर बॉन्ड बनाते जाते हैं, तो उसकी वजह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म होती है, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम डीएनए या फिर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसके तीन पार्ट जो है उसको ध्यान रखिए। अब मेन तो क्या है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स को देख लेते हैं कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स क्या है। तो देखिए एडिनिन ये क्या है आपका, प्यूरिन है। ठीक है, और अगर हम देखें प्यूरिन के केस में तो आप देखोगे कि प्यूरिन जो होते हैं उसके अंदर कितनी रिंग्स होती है, दो रिंग्स होती है। इसके अंदर देखिए दो रिंग है। अब ये देखिए ये जो रिंग्स होती हैं, जब ये जुड़ती है किसके साथ में जुड़ती है, आपके राइबो शुगर के साथ में जुड़ती है, तो कौन सी पोजीशन से जुड़ती है, तो ये जुड़ती है नाइन्थ पोजीशन से। तो हमेशा याद रखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, नाइन्थ नाइट्रोजन जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है शुगर के साथ में, ये क्वेश्चन है। इसमें कितनी रिंग होती है, दो रिंग होती है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है प्यूरिन के बारे में। अगर इंपॉर्टेंट अगर एनसीईआरटी बेस पे जाए तो प्यूरिन्स के अंदर दो रिंग होती है, ये आपके स्ट्रक्चर में दी है, और यहीं से ये जुड़ेगा किसके साथ में, राइबोज शुगर के साथ में। यानी जब यहाँ पे एडिनिन जुड़ा है तो ये एडिनिन जो है वो अपने नाइन्थ जो पोजीशन वाला नाइट्रोजन है उससे जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइन्थ पोजीशन से ये जुड़ता है राइबोज शुगर के साथ में, याद रखिए। अब जब राइबोज शुगर से एडिनिन जुड़ा तो उसको हमने क्या बोला, एडिनोसिन बोला। ठीक है, तो एडिनोसिन, ग्वानोसिन हो तो समझ जाइए ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड। देखिए
ये हुआ एडिनोसिन। अब ऐसे ही देखिए नाइट्रोजन बेस जो है ना, और हमारे पास में अच्छा एग्जांपल है न्यूक्लियोटाइड जो है। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड हमने किसको बोला, जब उसमें राइबो शुगर है एडिनिन जुड़ा और यहां पर फॉस्फेट ग्रुप जो है जुड़ गया, तब हमने उसको क्या बोला है, न्यूक्लियोटाइड बोला है। ठीक है, ये देखिए यूरिडिन, ये क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है क्योंकि यूरिडिन आ गया है। अब यूरिडिन जो है अगर आप इसके केस में देखोगे या फिर यूरेसिल के केस में अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है, केवल एक ही रिंग प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि पिरिमिडिन जो होते हैं इनके अंदर क्या रिंग होती है, केवल एक ही सिंगल रिंग ही होती है। ठीक है, और ये अपने कौन सी पोजिशन जो होते हैं उससे ये राइबो शुगर से जुड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने फर्स्ट नाइट्रोजन जो है उसके साथ में ये जुड़ते हैं, किससे, राइबो शुगर से। तो याद रखिए नाइट्रोजन बेस जब शुगर से जुड़ेगी तो यहां जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। यहां पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये याद रखिए। लेकिन जब फॉस्फेट जब यहां पे जुड़ता है तो यहां पे कौन सा बॉन्ड है, यहां पे है एस्टर बॉन्ड है। ठीक है ना, तो एस्टर बॉन्ड बनता है कहां पर, आपके जब फॉस्फेट जुड़ता है कहां पे, राइबो शुगर पे जुड़ता है, यहां एस्टर बॉन्ड बन रहा है, जबकि यहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। यानी न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के लिए दो तरह के बॉन्ड यहां पर बनते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब बनेगी तब क्या होगा, तब यहां पर हमें देखने को मिलेगा यहां पर कई और एस्टर बॉन्ड जो इंक्लूड हो जाएंगे, यानी दो राइबो शुगर के बीच में डाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे दो, क्योंकि वहां पे एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बस यहां पे ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है ये इसमें कहां जुड़ा है, कार्बन नंबर फिफ्थ पे जुड़ा है, जबकि अगर ये अपने ऊपर किसी और न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तब यही फॉस्फेट जो है उसके कार्बन नंबर थ्री से जुड़ेगा। ये बस ये आपको याद रखना होगा कि जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है तब फॉस्फेट ग्रुप अपने खुद का जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें तो जुड़ा है कौन से, कार्बन नंबर फिफ्थ पोजीशन पे, जबकि किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब ये जुड़ेगा तब जुड़ेगा उसके कार्बन नंबर थर्ड, यानी कि थ्री डैश हिस्से पर ये जुड़ेगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। इसीलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो उसकी ग्रोथ होती है वो किधर होती है, 5-3- डायरेक्शन के अंदर उसकी ग्रोथ होती है। नया जुड़ने वाला न्यूक्लियोटाइड यहां 3- हिस्सा जो है कार्बन नंबर 3 यहां आकर जुड़ेगा, इसीलिए ग्रोथ जो होती है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वो 5-3 डायरेक्शन में होती है। चलिए डीएनए इंपॉर्टेंट है आपके, डीएनए के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने हमें दिया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, जिसके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तब क्या होती है दो, हम ये बोलते हैं कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये एक दूसरे से जुड़ जाती है। ये दोनों ही चेन जो है वो एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, अगर एक का 5- हिस्सा है इधर तो दूसरे का क्या होगा, 3- हिस्सा होगा। अब याद रखना है प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से ही जुड़ता है, तो एडिनिन हमेशा किससे जुड़ रहा है, थायमिन से जुड़ रहा है। ग्वानिन हमेशा यहाँ पे किसे जुड़ रहा है, साइटोसिन से ही जुड़ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एडिनिन थायमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से ही जुड़ेगा। ठीक है, इसके साथ में आप याद रखिए जब ये डबल हेलिकल मॉडल दिया गया तो इसमें कुछ चीजें जो है वो आपको याद रखनी है, इनपे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा एक हेलिक्स जब घूमता है ना, पूरा ये एक हेलिक्स घूमता है तो इसकी कितनी, इसकी देखिए लेंथ है, तो इसकी लेंथ होती है 3.5 nm। ठीक है, और अगर हम दो नाइट्रोजन, हम ये बोलते हैं दो न्यूक्लियोटाइड जो है उनके बीच के अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमें कितना देखने को मिलेगा, 0.34। और पूरे एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजन बेस आते हैं, तो वो नाइट्रोजन बेस आते हैं 10। बस यही पूछे जाने वाली चीज है। और इसका डायामीटर ये देखिए 0.34 nm जो है इनके बीच का क्या है, हम बोल रहे हैं कि उसकी दूरी है। ठीक है, और अगर इसका डायामीटर निकालेंगे आप तो इसका डायामीटर जो है वो आपको कितना मिल रहा है, 2 nm इसका क्या होता है, डायामीटर मिलता है, क्योंकि ये हेलिक्स है दोनों इस तरीके से राइट हैंडेडली कॉइल्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही छोटी छोटी चीजें जो है पूछी जाती है। ठीक है, ये बी डीएनए है, इसके अलावा और भी टाइप होते हैं बट वो आपको मेंशन नहीं है और आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए फिर एटीपी, एटीपी भी देख लेते हैं, क्या बोलते हो एटीपी के फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। इसी तरह से जीटीपी भी हो सकता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो होते हैं ये बन जाते हैं आपके, आप लोग जब पढ़ रहे हो तो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल तो वहां पे भी ये सब वर्ड्स आपके कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, एटीपी जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी, हमारी करेंसी है ये, जिसके जिसमें फॉस्फेट जो बॉन्ड है, ये फॉस्फेट जो एस्टर बॉन्ड बन रहा है इसी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो वही एडिनिन इसके अंदर जुड़ा है आपके कार्बन नंबर 1 पे राइबो शुगर के, कार्बन नंबर 5 पे राइबो शुगर के जुड़े होते हैं 3 फॉस्फेट, इसी वजह से इसको बोला है ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी मॉलिक्यूल है, जब ये बॉन्ड टूटा, एक अगर एस्टर बॉन्ड टूट गया तो हम अभी क्या बनेगा, अभी यहां पे प्रेजेंट हो गए एडीपी है ना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक और अगर टूट गया तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए एंड आरएनए, उनके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ही होता है, उसमें एक ही फॉस्फेट होता है, ठीक है। और जब डाई एंड ट्राई कंडीशन आई तो ये तो क्या हो गई, स्टोर किया है एनर्जी को, और ये एनर्जी करेंसी है एटीपी, ठीक है। तो इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये स्ट्रक्चर जो है ध्यान रखिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरीज रह जाते हैं। एंजाइम क्या है, सबसे पहली चीज तो एंजाइम हम बोलते हैं कि एंजाइम वो हम ही बोलते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कैटलिस्ट पढ़ते हैं, कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसकी रेट, जो उसकी रेट होती है केमिकल रिएक्शन की, उसकी रेट को इंक्रीज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, ताकि जल्दी जल्दी क्या है हमें प्रोडक्ट मिले। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम भी जो है वो हम बोलते हैं कि बायोकैटलिस्ट है। बायोकैटलिस्ट है क्यों, क्योंकि ये सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, ये सेल के अंदर होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनकी क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और बहुत ये सब्सट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं, बट आफ्टर द रिएक्शन खुद के अंदर कोई चेंज नहीं लेके आते, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे। एंजाइम जो होते हैं इस पे टेम्परेचर का, पीएच का, और हम बोलते हैं कि सब्सट्रेट जो होता है जिसको ये कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसकी कंसेंट्रेशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोग केमिकल कैटलिस्ट के बारे में देखोगे तो उसको पढ़ोगे तो शायद आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ में ये भी क्या होता है, उसकी भी हम बोलते हैं कि जो एक्शन जो है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसके केस में हम बोलते हैं कि वो हमेशा एक ऑप्टिमम रेंज तक ही बढ़ता है और उसके बाद में वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है कंडीशन, ठीक है। तो इस पर टेम्परेचर का, पीएच का और कंसेंट्रेशन जो होती है सब्सट्रेट की, उसका इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए एंजाइम्स के बारे में, क्या सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो आंसर क्या होगा, यस, क्योंकि सभी के सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। बट क्या सभी प्रोटीन एंजाइम है, देन आंसर क्या होगा, रॉन्ग, सभी के सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। चलिए, अगर आप देखोगे एंजाइम जो है एक्चुअल में क्या होते हैं, एंजाइम वही टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन होती है जो अपनी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से क्या करती है, एक्टिवेशन, हम बोलते हैं कि एक्टिव साइट जो है उसको क्रिएट कर लेती है। एक्टिव साइट जो है वो एक तरह से हम बोलते हैं कि वो स्ट्रक्चर है, ये है एक्टिव साइट, जहां पर कोई भी सब्सट्रेट जो होता है वो आकर जुड़ता है। सब्सट्रेट वो है जो कन्वर्ट होने वाला होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो सब्सट्रेट को जोड़ने के लिए यहां पर हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाकर वहां एक्टिव साइट जो होती है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ये एक्चुअल में एक्टिव साइट और कुछ नहीं है, ये हम बोलते हैं कि जो एमिनो एसिड है उसकी पर्टिकुलर एक सीक्वेंस ही होती है, ठीक है। तो उस सीक्वेंस को वो इस तरह से घुमा कर क्या ले आते हैं, पास में ले आते हैं, तो वो एक्टिव साइट जो है वहां क्रिएट हो जाती है। अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर की, तो इस पे टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। हाई टेम्परेचर जब होता है तब ये डीनेचुरेशन शो करते हैं, यानी कि तब ये काम इनका, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। बट थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से जो हमें मिलता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको पीसीआर टेक्निक के अंदर यूज किया जाता है, वो एक्चुअल में हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है, दैट इज एक्सेप्शन, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वैसे हाई टेम्परेचर पर एंजाइम जो है वो डैमेज हो जाते हैं। राइबोसाइम जो है वो हम ये बोलते हैं कि वही न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम बोलते हैं राइबोसाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम के बारे में कुछ छोटा सा हम ये बोलते हैं कि आपके जो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन था। अब देखिए एंजाइम एक्शन कैसे करते हैं, तो देखिए एंजाइम क्या करता है, ये मान लीजिए एंजाइम है जो किसी सब्सट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा रहा है, ठीक है, लेकिन एट द एंड खुद वैसा का वैसा रह जाता है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। बट ये एंजाइम काम क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, जो किसी रिएक्शन की विदाउट, जैसे ये सब्सट्रेट है ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि इतनी एनर्जी लेता है ना, ये एनर्जी ली इसने इतनी, तब ये क्या हुआ, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ। बट एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी कि इसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाली जो एनर्जी है उसको ये क्या करता है, कम कर देता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देता है। तो इस तरीके से ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाते हैं। अब समझेंगे कैसे, समझेंगे ये कि मान लीजिए कोई सब्सट्रेट है जिसमें कोई सॉल्यूशन, मान लीजिए जिसमें अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल है, किसी की एक्टिवेशन एनर्जी जो हम बोल रहे हैं दो है, किसी की चार है, किसी की पांच है, किसी की छह है, किसी की सात है, किसी की आठ है, ये अलग अलग उनकी एनर्जी है, सिंपल शब्दों में समझाने के लिए। अब उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो हमने मान लिया कि सिक्स होती है। तो देखिए सिक्स जब होगी तो यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है
ये जो मॉलिक्यूल है और ये जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 6, 7 और 8, यानी ज्यादा ही है कुछ की, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अपनी खुद की विदाउट एंजाइम जो है ये कंडीशन है, लेकिन एंजाइम ने क्या किया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके मान लीजिए 2 रख दिया, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो ऑटोमेटिकली ये भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और ये भी हुआ, तो एक साथ हमें प्रोडक्ट क्या मिला, ज्यादा मिला। जहां हमें केवल 3 ही मॉलिक्यूल मिल रहे थे वहां पे हमें कितने मिले, 6 मिले। सिर्फ समझाने के लिए बात है, समझ में आई। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके सबस्ट्रेट को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाने का काम करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम बोल रहे हैं। हमारी सेल के अंदर जितनी भी केमिकल यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है वो सभी एंजाइम मेडिएट होती है, यानी एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर वो सारी की सारी जो है वो रिएक्शंस परफॉर्म होती है। अब ये डायग्राम आपके दिया गया है किसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर ये जो दिया है, तो इसमें आप देखोगे ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम अगर देखें तो बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए प्रोडक्ट तो मिला हमें वो, लेकिन ये हमें जल्दी मिल गया कब, जब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया तो सबस्ट्रेट ने जल्दी जल्दी क्या कर दिया, प्रोडक्ट जो है उसको बना दिया। तो देखिए प्रोग्रेस जो है रिएक्शन की क्या हो गई, बड़ी की नहीं, बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, तो कम समय में हमें ये कंडीशन हमें मिल गई। ठीक है, तो ये एंजाइम काम करता है इस तरीके से। क्लियर हो गया आप लोगों को ये चार्ट, चलिए आसान शब्दों में हमने समझा मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम कैसे काम करते हैं। तो देखिए एक तो लॉक एंड की मेथड है, फिशर ने हमें बताया, फिशर ने क्या बोला कि जैसे लॉक होता है वैसे ही एंजाइम की क्या होती है, हम ये बोलते हैं कि उसमें एक्टिव साइट की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें की तरह जो है सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट हो जाता है एंड वो कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट, मान लिया ये S1 है एंड ये S2 है, और ये जब यहाँ पे एक्टिवेशन उनके एक्टिव साइट के ऊपर जब ये फिट हो जाते हैं देन ये बॉन्ड बना लिया, क्योंकि किसी भी तरह का रिएक्शन हो सकता है कि अगर ये एनाबोलिक रिएक्शन तो बॉन्ड बन जाएगा, देन बॉन्ड बना तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सबस्ट्रेट तो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट, इसके बीच में बॉन्ड बन गया और एंजाइम हमें मिल गया वापस से। ठीक है, तो लॉक एंड की तरह क्या होता है, एंजाइम हमेशा अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी एक स्पेसिफिक टाइप का सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम की जरूरत होती है, इसको लॉक एंड की मेथड बोल रहे हैं। जैसे चाबी ताला होता है और उसमें चाबी लग जाती है, वो हमेशा उसी की लगती है, उसके अंदर फिक्स होती है, कोई और चाबी आप लगाएंगे तो वो नहीं चलेगी, तो वैसा सा कुछ है ये मेथड जो है फिशर ने हमें बताया था। ठीक है, इंड्यूस फिट जो होता है, कॉस्टलैंड ने बताया, उसमें बताया कि उसमें 2 तरह की साइट होती है, एक होती है बटरेसिंग साइट और एक होती है इंड्यूस साइट। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये एंजाइम है, है ना, ये एंजाइम है और यहाँ पे 2 साइट है, ये इंड्यूस्ड है और ये बटरेसिंग साइट है, सबस्ट्रेट जो है वो यहां पर आके जुड़ा, जब सबस्ट्रेट जब बटरेसिंग साइट पे आकर जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा इस साइट को कि वो आकर इस सबस्ट्रेट से जुड़ जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन ने, इस साइट ने इंड्यूस किया इसको, तो जब ये इंड्यूस हो जाएगा तो स्ट्रक्चर एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के जुड़ने के बाद में अपनी स्ट्रक्चर में चेंज लेके आएगा, ये अभी यहां पर क्या जुड़ा है, सबस्ट्रेट से आकर जुड़ गया है, फिर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाया, जैसे प्रोडक्ट के अंदर ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ये अपने वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि बटरेसिंग साइट ने क्या किया, जहां पर आकर सबस्ट्रेट जुड़ा है, सबस्ट्रेट जुड़ा बटरेसिंग साइट पे, बट इस साइट ने क्या किया, इस साइट को इंड्यूस किया, इसीलिए इसको इंड्यूस साइट बोला है ना, इस साइट को इंड्यूस किया ताकि ये आकर जुड़े सबस्ट्रेट से और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस फिट, कॉस्टलैंड ने हमें ये बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से एंजाइम जो है वो फंक्शन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच एंड कंसंट्रेशन, हम इसको भी समझ लेते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर जो है वो उसकी 3 रेंज होती है, एक तो ऑप्टिमम रेंज होती है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, है ना, अब ऑप्टिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम 3 रेंज हम बोल सकते हैं। ऑप्टिमम रेंज जो होती है ये वो रेंज होती है जिसके ऊपर एंजाइम जो है सबसे ज्यादा अधिक फंक्शनल रहता है। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर जब मिनिमम है, कम है, जब कम है तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी तो कर ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया वैसे वैसे एंजाइम की खुद की जो हम बोल रहे हैं एक्टिविटी जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये सर्टेन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा ये क्या हो गई, बढ़ती गई, लेकिन टेम्परेचर को ऑप्टिमम रेंज से और ज्यादा बढ़ाने के बाद में क्या होता है, ये एंजाइम जो है डीनेचुरेशन शो करते हैं, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाती है, वो उसकी क्षति हो जाती है, डैमेज्ड हो जाती है। ऐसा टेम्परेचर की वजह से ट्रीट हुआ हुआ डीनेचुरेटेड एंजाइम वापस से फंक्शनल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर ही बदल जाती है, यानी हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन हो जाता है किसी भी एंजाइम का,
ऑप्टिमम रेंज पर वो सबसे ज्यादा फंक्शनल रहता है और मिनिमम पे वो सबसे कम एक्टिव रहता है। टेम्परेचर एक हद तक बढ़ाएंगे तब तक उसकी एक्टिविटी की जो है, हम बोलते हैं एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन ऑप्टिमम रेंज से और ज्यादा बढ़ाने पर वो डीनेचुरेशन शो करेंगे। ये रिवर्सिबल कंडीशन नहीं है कि आपने एक बार डीनेचुरेटेड एंजाइम को, फिर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो वो एंजाइम वापस से फंक्शनल हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिए टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो एंजाइम्स पे होता है, किस प्रकार से होता है वो भी आपको पता चल गया है। अभी जितने भी एंजाइम्स होते हैं उन सब पर टेम्परेचर का ऑलमोस्ट सब पे सेम ही इफेक्ट होता है, यानी सभी एंजाइम जो है मिनिमम से जब ऑप्टिमम रेंज तक आएंगे तब तक उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, और ऑप्टिमम रेंज से और ज्यादा अगर हो गया तो क्या कंडीशन आ जाएगी, हम ये बोलते हैं डीनेचुरेशन शो करेंगे। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम है वो हम बोलते हैं सब ऑप्टिमम रेंज जो होती है उस पर काम करते हैं, उससे ज्यादा थोड़ा और अगर बढ़ जाता है, जैसे कि बुखार आया आपको, बुखार आने पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होते हैं आपके एंजाइम जो होते हैं वो फंक्शनल रहते हैं, क्योंकि वो सब ऑप्टिमम रेंज में काम करते हैं, तो ऑप्टिमम रेंज आई तो उस पर वो क्या होते हैं फंक्शनल रहते हैं। लेकिन अगर यही बुखार आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाता है आपका एंजाइम का और आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो सारी की सारी इफेक्ट होती है और आपकी बॉडी पे सिम्टम्स जो है बुखार के वो बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है और हमारी बॉडी में अगर पूछा जाए टेम्परेचर तो सब ऑप्टिमम रेंज में वो काम करते हैं। चलिए, पीएच का सभी एंजाइम पर अलग अलग तरह से रोल है, क्योंकि टेम्परेचर का तो सब पे सेम ही है, हर एंजाइम के लिए ऑप्टिमम रेंज जो है सबके लिए सेम ही है, बट यहाँ पीएच सबके लिए अलग अलग होती है। कई जो है एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, जैसे कि हमारा स्टमक का हमारा पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है, वहां पे HCl सीक्रेट होता है, तो वहां पे 1.22 लेके हम बोलते हैं कि 1.2 से लेके 2 पीएच तक उसकी रहती है। अब वहां पे जो सीक्रेट होने वाले एंजाइम है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है, जैसे कि पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, तो पेप्सिन जो है वो एक्चुअल में पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, सीक्रेट होता है, लेकिन वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है जैसे उसको एसिडिक एनवायरमेंट मिलता है, यानी उसकी एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है कौन, उसकी पीएच एनवायरमेंट की, तो 1.2 पर वो फंक्शनल होता है। ठीक है, अगर एल्केलाइन मीडियम होगा तो ये फंक्शनल नहीं रहेगा। एमाइलेज, जैसे कि एमाइलेज सीक्रेट होता है हमारी बक्कल कैविटी के अंदर सेलिवरी ग्लैंड से, पीएच कितनी रहती है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, 6.8 पीएच जो है इनके लिए ऑप्टिमम रेंज होती है। तो देखिए यहां पर ये हम बोले न्यूट्रल पीएच पे काम कर रहा है। अब ट्रिप्सिन देखेंगे जो कहां रिलीज हो रहा है, ट्रिप्सिन रिलीज होता है ड्यूडेनम के अंदर पैनक्रियाटिक जूस के साथ में, तो ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, जैसे ही बाइल सॉल्ट की वजह से एल्केलाइन मीडियम उनको मिलता है 8.6 टू 8.8 पीएच जो है वो कंडीशन मिलती है, वो फंक्शनल हो जाते हैं, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुए, एक्टिव जो है वो हम बोलते हैं कि कंडीशन है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन जो है फिर वो क्या करता है प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है। तो यानी कि ये एल्केलाइन पीएच पे काम कर रहे हैं, यानी कि हर एंजाइम जो होता है उसके लिए पीएच जो होती है वो रेंज सबके लिए अलग अलग होती है, कोई एसिडिक पे, कोई एल्केलाइन पे, तो कोई न्यूट्रल पीएच पे फंक्शनल रहता है, ये सब पे अलग अलग होता है, बट टेम्परेचर का सब पर सेम इफेक्ट होता है, ये स्टेटमेंट बनते हैं, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, देखिए कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो भी इफेक्ट डालती है। ठीक है, कंसेंट्रेशन देखिए, ये अगर हम इसको समझे, अभी मैं इस चार्ट को थोड़ा और बताती हूं अलग तरीके से, कि मान लीजिए कि कंसेंट्रेशन है किसकी, सबस्ट्रेट की, इसको हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे तो एंजाइम जो होती है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक टाइम आने के बाद में सबस्ट्रेट को कितना भी बढ़ाया जाए, सॉरी मैंने अलग अलग स्केल पे अलग अलग चीज लिख दी है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आएगा, सॉरी यहाँ पे सबस्ट्रेट है, कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की है और यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो है उसकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ी एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ी, लेकिन एक टाइम आने के बाद में सबस्ट्रेट को कितना भी बढ़ाया जाए एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया है, आपको इसको समझना होगा। कैसे समझेंगे, देखिए समझने के लिए हम बोलते हैं कि मान लीजिए कंडीशन, मैं इसको साफ कर देती हूं, मान लीजिए कंडीशन ये है कि एंजाइम है, जैसे कि मान लिया कि एंजाइम जो है उसके हमारे पास में हम ही बोल रहे कि 1000 मॉलिक्यूल है, ये एंजाइम है जिसके 1000 मॉलिक्यूल है, हमने बोला पहले इनको अवेलेबल हुए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये 100 मॉलिक्यूल जो है वो सबस्ट्रेट के मिले एंजाइम को, तो देखिए एंजाइम में से 100 मॉलिक्यूल जो 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल 100 सबस्ट्रेट से जुड़ेंगे और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी जो है, अभी देखिए जैसे ही आपने इसको 200 किया, अब की बार प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा मिलेगा, 200 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल 200 प्रोडक्ट को बनाएंगे, यानी कि एक्टिविटी एंजाइम की बढ़ी, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, 1000 हमारे पास में अभी एंजाइम के मॉलिक्यूल है जिसमें से सिर्फ 200 ही इंगेज्ड हुए हैं,
आपने सबस्ट्रेट को और बढ़ा दिया 300, 400, 500, 600, तो जैसे 600 बढ़ाया प्रोडक्ट भी मिला 600, 700 मॉलिक्यूल बढ़ाए तो प्रोडक्ट भी मिले 700, 800 मॉलिक्यूल बढ़ाए 800, 900 बढ़ाए तो 900, 1000, यानी जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है तो हमें पता चल रहा है कि भाई एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन 1100, अब देखिए 1100 सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, नाउ प्रोडक्ट तो हमें क्या मिलेगा, वही 1000 मॉलिक्यूल। रीजन, क्योंकि मॉलिक्यूल एंजाइम के कितने, 1000 ही तो है, राइट? तो 1000 एंजाइम पहले क्या करेंगे, जुड़ेंगे 1000 सबस्ट्रेट के साथ में, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएंगे। 100 को वेट करना पड़ेगा, ठीक है? फिर वो क्या होंगे, जब एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री होगी देन वो 100 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। यानी कि उसके बाद में आप चाहे कितना भी बढ़ाते जाइए, 1200, 1300, प्रोडक्ट हमेशा 1000 ही मिलेगा, क्योंकि एंजाइम ही इतना अवेलेबल है। तो पूरा का पूरा एंजाइम जब यूज में ही आ गया तो अभी और सबस्ट्रेट के लिए यूज के लिए एंजाइम ही नहीं है। तो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन एक मात्रा पे आने के बाद में आप बढ़ाते जाइए, एंजाइम की एक्टिविटी पर चेंज नहीं आएगा, ठीक है? अब इसी को चेंज करके देखिए चार्ट। सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन दी गई है इस स्केल पे और यहां पे दी गई है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि बिल्कुल एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी तो बढ़ ही रही है ना, ज्यादा प्रोडक्ट मिलता जा रहा है, जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ रही है प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिल रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक टाइम आने के बाद में जब ये वी मैक्स को प्राप्त हो जाता है, यानी कि अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे, यानी 1000 एंजाइम जो है वो 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपने सारी की सारी वो झोंक रखी है उन्होंने अपनी क्षमता, उसके बाद में आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाते जाइए प्रोडक्ट आपको सेम ही मिलेगा, यानी कि वेलोसिटी जो है वो सेम ही रहेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी मैक्स बोलते हैं। माइकलिस कॉन्स्टेंट, एक वर्ड आता है KM, राइट? KM क्या होता है, तो अपनी जो रिएक्शन होती है, वी मैक्स जो होता है किसी भी रिएक्शन का उसका हाफ जो होता है उसको हम बोलते हैं माइकलिस कॉन्स्टेंट, ठीक है? तो ये आप याद रखिए, कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे इफेक्ट और ये चार्ट। तो KM किसको बोला है, हाफ ऑफ द वी मैक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइकलिस कॉन्स्टेंट। ये बहुत इसका, अगर जब हम रिएक्शन का पढ़ेंगे इनके इनहिबिटर्स के बारे में तब हमें समझ में आएगी। अभी देखिए, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी एंजाइम है, कोई भी एंजाइम जो होता है उसके लिए कई तरह के इनहिबिटर्स होते हैं। कोई कॉम्पिटेटिव होता है तो कोई नॉन कॉम्पिटेटिव जो होता है वो कंडीशन होती है, और कुछ कंडीशन, कुछ रिएक्शंस जो होती है वो एलोस्टेरिक भी होती है, ठीक है? तो उन सबको पढ़ेंगे। अभी देखिए, रिएक्शंस के बारे में दो तरह के इनहिबिटर्स हैं। इनहिबिटर कौन होते हैं, वो होते हैं जो एंजाइम के अंदर, हमें बोल रहे हैं कि कोई भी एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से जुड़ेगा नहीं और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाएगा नहीं। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं। अब देखिए, दो तरह के इनहिबिटर्स हो सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो है वो एक्चुअल में जो भी सबस्ट्रेट होता है उसकी जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं, है ना, धोखा देते हैं, धोखेबाज होते हैं। देखिए, जैसे कि ये एंजाइम है, राइट? ये एंजाइम में ये सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर कैसी है, ऐसी ही है। इनहिबिटर आया तो इनहिबिटर जो है उसकी भी स्ट्रक्चर क्या है, ऐसी ही है, ठीक है? तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर क्या है, दिखने में एक समान है, तो ये जुड़ने के बजाय क्या हो जाएगा, इनहिबिटर जो है ज्यादा एफिनिटी रखते हुए इनहिबिटर यहां जुड़ जाएगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेटिव, ठीक है? तो ये कंडीशन होगी कॉम्पिटेटिव। नॉन कॉम्पिटेटिव क्या होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, इनहिबिटर जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ते, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं उसकी एक और साइट होती है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर साइट, यहां आकर इनहिबिटर जुड़ जाते हैं, जिससे इनकी एक्टिव साइट जो होती है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाती है। यानी कि फिर वो कभी भी अवेलेबल नहीं हो रहा सबस्ट्रेट के जुड़ने के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर ही सिमिलैरिटी नहीं मिल रही है, बदल गई है एक्टिव साइट जो है वो, एक्टिव साइट बदल गई तो परमानेंटली सबस्ट्रेट जो है उसके साथ में वो जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है? अब इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, कॉम्पिटेटिव जो होते हैं, कॉम्पिटेटिव के अंदर हमेशा इफेक्ट जो होता है इनहिबिटर्स का, वो हम ये बोलते हैं कि ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। कैसे, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर है, अभी दोनों की एफिनिटी जुड़ने की, सबस्ट्रेट भी जुड़ सकता है और इनहिबिटर्स भी जुड़ सकता है। मान लीजिए कि 100 एंजाइम थे, राइट? 100 एंजाइम है, अब इसके अंदर इनको अवेलेबल हो रहे हैं सबस्ट्रेट भी और इनहिबिटर भी, ठीक है? तो देखिए, जब ये दोनों ही अवेलेबल हो रहे हैं तो ऐसा होगा कि 50% तो क्या है, सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ जाएंगे, 50% सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ गए और प्रोडक्ट के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और 50% जो है वो इनहिबिटर के साथ में जुड़े और ये प्रोडक्ट जो है यहां पर नहीं मिला। ये जो है कॉम्प्लेक्स बन गया, कौन सा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है? अब कंडीशन ये आई कि अभी जो ये 50% है, अभी भी प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो रहा है, अभी ये 50 एंजाइम जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, फ्री होंगे, नाउ इनको फिर सबस्ट्रेट मिल रहा है और इनहिबिटर मिल रहा है, तो जो बचे हुए 50 एंजाइम है, अब वो एंजाइम क्या करेंगे,
25, उसका आधा जो है वो जुड़ेगा किसके साथ में, सब्सट्रेट के साथ में, और आधा जुड़ेगा किसके साथ में, इनहिबिटर के साथ में। तो इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, एंजाइम जो होती है उसकी, हम ये बोलते हैं कि एक्टिविटी जो होती है वो कम होती जाती है और प्रोडक्ट मिलना कम होता है, लेकिन ये ग्रेजुअली प्रोसेस होता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये परमानेंट भी नहीं है। अगर इनहिबिटर मिलना बंद हो जाए, है ना, इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन कम हो जाए, सबस्ट्रेट ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वही कंसेंट्रेशन जिसकी ज्यादा, जो क्या हो गया, ज्यादा पावरफुल होगा, वही अपना इफेक्ट दिखा पाएगा। तो सबस्ट्रेट जैसे ही ज्यादा मिलेगा, इनहिबिटर कम होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, वापस एंजाइम इनहिबिटर जो कॉम्प्लेक्स बना है वो टूट जाएगा, एंजाइम फिर से अवेलेबल हो जाएगा सबस्ट्रेट के लिए, और वापस सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट को बनाने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होती है। लेकिन ये जो आपके नॉन कॉम्पिटेटिव है, इनके अंदर क्या है, नॉन कॉम्पिटेटिव परमानेंट एंजाइम जो होती है उसकी एक्टिव साइट को बदल देते हैं, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट मिलना पहले ही बार में क्या हो जाता है, जीरो, हमें कोई भी प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। तो देखिए, ये नॉर्मल एंजाइम जब फंक्शन कर रहा है तब, कॉम्पिटेटिव एंजाइम जब फंक्शन कर रहा है तब, और नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम जो है आपके, सॉरी, इनहिबिटर जो है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कर रहा है तब, और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जब काम कर रहा है, तो पूरी तरीके से जो है वो क्या हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन गिर गई है, प्रोडक्ट मिलना हमें बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो प्रकार के इनहिबिटर हो सकते हैं। अभी चलिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना, ये जो है एंजाइम, इसके लिए मेलोनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसके लिए इनहिबिटर होते हैं। तो सक्सिनेट के समान ही क्या रखते हैं, स्ट्रक्चर रखते हैं, तो मेलोनेट जो है वो यहां पर क्या होता है, जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये इसकी एंजाइम की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ में आप याद रखिए कि केमैक्स इज इंक्रीज्ड मोर सब्सटेंस सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आर नीडेड टू अचीव वी मैक्स, यानी केएम जो है वो वी मैक्स हमें कब मिलेगा, जब सब्सट्रेट की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, सब्सट्रेट की क्वांटिटी को आप बढ़ाएंगे तो हमें KM जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है, KM जो है वो क्या हो जाएगा, मिलेगा। नो इफेक्ट ऑन Vmax, Vmax पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम तो उतना का उतना फंक्शनल है, एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एंजाइम जितना सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था वही एंजाइम अभी इनहिबिटर के साथ में जुड़ गया और उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, पर एंजाइम की खुद की जो एक्टिविटी है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो यहां Vmax जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहां पर अगर आप देखेंगे नॉन कॉम्पिटेटिव के केस में, तो वहां पे Vmax जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम जो है ना उसकी स्ट्रक्चर बदल दी, तो एंजाइम किसी भी सब्सट्रेट से जुड़ने के लिए अभी क्या है, अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा, यानी उसकी एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, राइट, उसकी स्ट्रक्चर बदल गई है, क्योंकि उसकी शेप ऑफ द एक्टिव साइट ये देखिए अल्टर, सो मैक्सिमम रेट कैन नॉट बी अचीव्ड, कभी अचीव नहीं हो सकती मैक्सिमम, तो Vmax जो है वो कम होगी, लेकिन Km जो है वो अफेक्ट नहीं होगी, यहां पर Km की वैल्यू जो है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, तो क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन का यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, इस वजह से Km गिरा है और यहां पर Km नहीं गिरा है। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके के ये हो सकते हैं इनहिबिशन, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। अभी देखिए, साइनाइड जो होते हैं ये एक्चुअल में क्या है, नॉन कॉम्पिटेटिव है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है इसको इनहिबिशन कर देते हैं, इसके फंक्शन को, ऑक्सीजन जो है वो हम बोलते हैं कि जो हमें रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी मिलने वाली थी वो मिलती नहीं है, दम घुटने से जो मौत हो जाती है उसका रीजन यही है। ठीक है, क्योंकि साइनाइड जो है वो क्या है, वो एक्चुअल में नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, और इसी के बजाय ये मेलोनेट तो क्या है, ये कॉम्पिटेटिव है, अगर सक्सिनेट की कंसेंट्रेशन आप बढ़ा दोगे तो अपने आप सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो अपने Vmax को पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो कंसेंट्रेशन बढ़ाने से ये अचीव हो जाएगी, Vmax हमें अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ये क्या है आपके, कॉम्पिटेटिव है। इसी को और अगर अच्छे से समझे, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब आपको सल्फर ड्रग दी जाती है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, बैक्टीरिया अपनी खुद की ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो सल्फा ड्रग जो दी जाती है वो उस फॉलिक एसिड को बनने नहीं देती है। ठीक है, तो एक्चुअल में सल्फा ड्रग जो क्या कर रही है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की तरह फंक्शन कर रही है, सॉरी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की तरह फंक्शन कर रही है। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे सल्फा ड्रग की बढ़ेगी, ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड बनना कम हो जाएगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड चाहिए। अब बैक्टीरिया, अब क्या हो रहा है कि अगर आपने, जैसे मान लीजिए आपको 2-3 दिन का बैक्टीरिया इन्फेक्शन, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, तो आपको 2-3 दिन की एंटीबायोटिक्स दी जाती है, लेकिन आप क्या करते हैं, पहली बार में ही क्या करते हैं, उसको लेते हैं और आपको लगने लगता है कि हमारी तबीयत ठीक होगी। ये तबीयत ठीक होना हमें क्यों लगता है, क्योंकि जब आप
पहला डोज लेते हैं तो एक्चुअल में जो हम ये बोल रहे हैं कि जो फॉलिक एसिड बन रहा था 100% उसकी रेट क्या, वो कितना बना अभी 50% बना, 50% बना तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी क्या हो गई, आधी हो गई। जैसे ही वो आधी हुई तो हमें अच्छा तो महसूस हो गई ना, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकी है। अगले दिन अगर आपने और ली तो वो अब जितनी 50% हो रही थी उसकी भी आधी ग्रोथ हो जाएगी बैक्टीरिया की, क्योंकि सल्फर ड्रग जो है उसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हो। लेकिन दूसरे या तीसरे दिन आपने क्या किया, सल्फर ड्रग जो आपको दवाइयां दे रहे थे एंटीबायोटिक वो लेना बंद कर दिया, आपने कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं किया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन अभी क्या होगी, इनहिबिटर की तो कम हो गई और वापस से फॉलिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ने लगी, तो वो अचानक से फिर से क्या हो जाता है, बुखार हमें चढ़ जाता है। इसीलिए जो कंप्लीट कोर्स दिया जाए, चाहे हमें फील अच्छा भी क्यों ना हो रहा, तब भी एंटीबायोटिक्स जो दी जाती है जितने दिन के लिए दी जाए उसको प्लीज लीजिए, ताकि वो पूरी तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बनने वाले हम बोलते हैं प्रोडक्ट को रोक दे, बनना रोक दे, तो उसके बाद में दोबारा आपको फिर वो नहीं हो। ठीक है, तो सल्फा ड्रग भी क्या है, एक तरह का हम ये बोल रहे हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन शो करती है। ठीक है, समझ में आया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोस्टेरिक फीडबैक, एलोस्टेरिक जो होता है वो एक्चुअल में इनका प्रोडक्ट ही क्या होता है, इनहिबिटर या मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में देखिए, ग्लूकोज सब्सट्रेट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब देखिए, मान लीजिए यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि 100 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है 100 बन रहे हैं। जैसे ही मैंने बोला कि ये मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अभी कितने बन गए, 110, तो प्रोडक्ट जैसे ही ज्यादा हुआ तो अभी क्या चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, अपनी ऑप्टिमम रेंज में रहना चाहिए। तो जैसे ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ी तो ये बिहेव करेगा खुद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिटर की तरह और हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को रोक देगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है पूरा, पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इनके मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गए, डाउन हो गए, मान लीजिए 90 हो गए। जैसे ही 90 हो गए हमें तो चाहिए कितने, 100, तो ये क्या करेंगे, हेक्सोकाइनेज को वापस से एक्टिवेट कर देंगे, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल देगा। तो कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो फीडबैक मैकेनिज्म पे एलोस्टेरिक जो है उसकी तरह भी बिहेव करते हैं, प्रोडक्ट खुद ही इनहिबिटर या मॉड्यूलेटर का काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हमें इनहिबिशन जो है उसको समझने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। चलिए फिर देखिए, जितने भी एंजाइम्स हैं उनको हम ये बोल रहे हैं कि कुछ क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, वो कितनी क्लासेस है, 6 है, और इनका इसी तरीके से आपको नंबरिंग भी याद रखनी है। ये EC1 है, EC2, EC3, EC4, EC5 और EC6। पहली क्लास आती है ऑक्सीडोरिडक्टेज, जिसको हम डीहाइड्रोजिनेज भी बोल रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है और जो हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन जो है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को ये परफॉर्म करवाते हैं, तो उन एंजाइम को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल है ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, डीहाइड्रोजिनेज, इसी तरह के एंजाइम है आपको याद रखने हैं। दूसरे होते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम, नाम से याद हो रहा होगा, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे हम ये बोलते हैं मॉलिक्यूल के साथ में जोड़ देते हैं। जैसे कि ये सबस्ट्रेट S1 है, ये S2 है, तो ये इसने फंक्शनल ग्रुप को S1 से हटाकर S2 पर ट्रांसफर कर दिया। तो एंजाइम जो इस तरह की ट्रांसफर रिएक्शन करवाते हैं उनको हम ट्रांसफरेज के अंदर रखते हैं। ये EC2 है, एग्जाम्पल है काइनेज, काइनेज यही तो करता है ना। अब जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, हुआ क्या, एटीपी वहां पे प्रेजेंट है, एटीपी के अंदर से फॉस्फेट को एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, उस फॉस्फेट ग्रुप को लेता है और ग्लूकोज के अंदर जोड़ देता है, तो फॉस्फेट ग्रुप का क्या करवाया, ट्रांसफर ही तो करवाया, तो इसीलिए उसको क्या बोला है, उसको रखा गया ट्रांसफरेज ट्रांसफरेज क्लास के अंदर। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज क्या होता है, हाइड्रोलेज जो है वाटर की प्रेजेंस के अंदर अगर वो बॉन्ड तोड़ देते हैं, सीसी बॉन्ड तोड़ दिया, ईथर पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना, ये इन सब का हाइड्रोग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इन सबको तोड़ने का काम जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेज। यानी जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सभी क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वाटर की प्रेजेंस के अंदर ब्रेक डाउन प्रोसेस करवाते हैं, ये सभी बॉन्ड तो तोड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी तोड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी तोड़ देते हैं, वो ईथर बॉन्ड भी तोड़ देते हैं, ईस्टर बॉन्ड भी तोड़ते हैं ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को तोड़ा, न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ के न्यूक्लियोसाइड बना दिया। तो ये जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सभी क्या है, हाइड्रोलेज है। फिर आ जाती है फोर्थ क्लास लाइजेज, लाइजेज क्या कर रहा है, लाइजेज जो है वो क्या करता है कि वो रिमूव कर देता है, वो भी सेम काम कर रहा है कि वो भी ब्रेकडाउन करवा रहा है, लेकिन वो क्या बनाता है, वो डबल बॉन्ड फॉर्म करवा देता है। तो उसकी वजह से जहां पे यहाँ पे देखिए ये दोनों से जुड़े हुए एक्स एंड वाई फंक्शनल ग्रुप है, तो वो क्या कर रहा है कि इनको यहां से हटा के और यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म करवा दिया। तो एक्चुअल में हो रहा तो यहाँ पर भी क्या है, रिमूवल हो रहा है ग्रुप का, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल है एल्डोलेज, जैसे कि एल्डोलेज एंजाइम को अगर आप याद करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर ट्रायो शुगर बनती है 2, है ना, तो वहां पर ये जो है लाइजेज एंजाइम जो है काम आ रहे होते हैं। ठीक है, फिर है आइसोमरेज, आइसोमरेज का मतलब ये हो गया कि आइसोमर्स आपस में फॉर्म कर देते हैं,
तो फास्फो ग्लूको आइसोमरेज एंड यही ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज, ये ग्लाइकोलिसिस में जो है आइसोमरेज रिएक्शंस करवाते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन करवाते हैं। तो ये जो है आइसोमर्स, ये क्या करते हैं, बस आइसोमर्स आपस में चेंज कर देते हैं, जैसे कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है और ग्लिसरल्डिहाइड जो है, ये आपस में क्या है, आइसोमर्स ही तो है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है और एक में कीटोनिक ग्रुप है, तो वो आपस में चेंज कराने का काम कर रहे हैं, तो दैट इज आइसोमरेसिस एंजाइम। तो ये होगी क्लास नंबर फिफ्थ। एंड लाइगेज जो होती है ये क्या करती है, ये भी बॉन्ड फॉर्म करती है, वही CO, CS एंड CN इनके बीच में क्या कर रही है, बॉन्ड फॉर्म करने का काम करती है, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज जो है या फिर सिट्रेट सिंथेटेज जो एंजाइम है, वो सिंथेज एंजाइम जो है वो क्या है, लाइगेज होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे याद रखिए, सिंथेज वर्ड यूज कर रहे हैं लाइगेज के लिए, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, सिंथेज लाइगेज के लिए सिंथेज है, सिंथेटेज नहीं है। तो डीएनए लाइगेज, लाइगेजेस जो क्लास है उसमें आते हैं। तो इस तरह से कितनी क्लासेस हैं, ये सिक्स क्लासेस होती है। तो इसको इसी तरीके से आप याद रखिए और इनके एग्जांपल भी याद रखिए, एनसीईआरटी में जो आपको मेंशन है उतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्नओवर नंबर, एक मिनट के अंदर एक मोल एंजाइम द्वारा कितना सब्सट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको उसका टर्नओवर नंबर बोलते हैं। तो देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है उसका टर्नओवर नंबर कितना है, 36 मिलियन। ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। सबसे स्लोएस्ट कौन है, लाइसोजाइम, जिसका टर्नओवर नंबर है ओनली 13, ठीक है। तो ये हो गया टर्नओवर नंबर, एनसीईआरटी में जो मेंशन है उसी को ध्यान रखते हैं। अभी एंजाइम जो होते हैं होलो हम बोलते हैं कि एंजाइम जो होते हैं उसके अंदर कंडीशन ये होती है कि प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है। तो एक होता है एपो एंजाइम जो वो पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम। जब इसके साथ में कोई भी कोफैक्टर आके जुड़ जाता है तो ये जो बनता है उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। तो होलो एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, फंक्शनल होता है, क्योंकि उसमें कोफैक्टर आके जुड़ा है। एपो एंजाइम जो है वो फंक्शनल पार्ट नहीं होता। अभी कोफैक्टर कई तरीके के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक को एंजाइम या फिर मेटेलिक आयंस हो सकते हैं। प्रोस्थेटिक तो वो ग्रुप्स होते हैं जो कि एपो एंजाइम से टाइटली जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे जैसे कि हीम जो है वो क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। और हम ये बोले कि परऑक्सीडेज जो है, कैटलेज जो है, ठीक है, तो ये सभी में क्या होते हैं आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है। हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। को एंजाइम जो है एक्चुअल में विटामिन जो होते हैं बी, तो विटामिन बी जो है वो को एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। ये लूजली अटैच रहते हैं किसके साथ में, आपके एपो एंजाइम के साथ में। तो जैसे कि एनएडी और एनएडीपी ये जो है, ये हम बोलते हैं कि विटामिन इनमें नियासिन प्रेजेंट होता है, तो नियासिन की ये हमें बोलते हैं कि को एंजाइमेटिक फॉर्म्स है। तो एनएडी और एनएडीपी जो है वो को एंजाइम की तरह काम करते हैं। मेटेलिक आयन जैसे कि कॉपर है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, निकल है, ये सभी क्या होते हैं, ये को हम बोलते हैं मेटल की तरह, मेटल आयन्स हैं जिनको हम ये बोलते हैं कि को फैक्टर की तरह काम करते हैं और ये किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जिंक होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के अंदर, मेटल आयन जो उसकी प्रेजेंस के अंदर क्या करता है, उसको एक रिएक्शन परफॉर्म करवाता है, तो वो मेटल आयन जो है वो भी को फैक्टर की तरह काम कर सकते हैं। तो कई अलग अलग तरह के को फैक्टर्स हैं, कॉपर हैं, ठीक है, आयरन है, तो ये सभी जो है ये क्या है, ये आपके कोफैक्टर्स हैं। तो आपने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पे लिखा होता है जिंक लिखा होता है, तो कहीं पे लिखा होता है मैग्नीशियम लिखा होता है, कहीं पे मैग्नीज लिखा होता है। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये एक्चुअल में कोफैक्टर है जो कि वहां पर प्रेजेंट जो एंजाइम है, जो एपो एंजाइम है, उसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो कोफैक्टर तीन तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंजाइम के बारे में और इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक भी खत्म। चलिए तो ये कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस है, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे आंसर बताइए। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जरूर इनका आंसर कर पाएंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है, फटाफट से। तो अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया और मैं आपको यही बोलूंगी, प्लीज जितना हम लोगों का सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ में आप भी अपना रिवीजन भी बढ़ाते जाइए और साथ साथ में अपने एनसीईआरटी एमसीक्यूज उनको सॉल्व करिए और टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देने से आपका मेमोरी पावर भी इंक्रीज होता है और आप अपने आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक बाय बाय।